हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द मेडिसिन फॉर लो ब्लड प्रेशर लो बीपी पी जिसको हम लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन कहते हैं और मेडिकल टर्म्स में उसको कहा जाता है हाइपोटेंसन तो जब किसी पर्सन को हाइपोटेंसन होता है लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन होती है तो उसको कंट्रोल किस तरह से हम कर सकते हैं वो सभी के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे कि मेन तो हमारा क्वेश्चन ये है कि लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे करें कि जब किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से काफ़ी लो हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसको हम कैसे ट्रीट करें बिकॉज ये कंडीशन ऐसे है कि उसका जो मेन रिस्क है कि बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं लो ब्लड प्रेशर के कारण कि जो हमारे अलग अलग ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम के जो फंक्शन है उसके ऊपर असर पड़ सकता है और इवन काफ़ी जब लो हो जाता है ब्लड प्रेशर तो उसके कारण पेशेंट की डेथ भी हो सकती है तो ये कंडीशन को हम लाइटली नहीं ले सकते और मेन तो यही है कि लो ब्लड प्रेशर को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं तो ये सभी के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे सो दिस एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर मिस्टर अमर एम रावल बी फॉम एम फॉम इन फार्मास्यूटिक्स पी एच डी परसुइंग असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स परसुइंग द पी एच डी फ्रॉम गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बी इन ए वन लैक फैमिली ऑफ ए फार्मारॉक्स आप सभी के सपोर्ट के कारण और जो आप सभी ने एक सपोर्ट किया है हमें फार्मा रॉक्स के वन लैख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है और उसी के कारण सिल्वर बटन की जो यूट्यूब क्रिएटर अवॉर्ड है उससे हमें सम्मानित किया गया है सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बी इन ए वन लैख फैमिली ऑफ ए फार्मर तो ऐसे ही अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ इसके लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को प्रेस करिए बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मरॉक्स फार्मरॉक्स का मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है तो अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो गूगल प्ले स्टोर पर से आपको को डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपके पास आईफोन है या फिर आप आईपैड यूज़ करते तो उसके अंदर भी ये ऐप को आप यूज़ कर सकते हैं लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और ज़्यादा क्वेरी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं स्टडी मटेरियल पीडीएफ्स टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर वगैरह आपको मिल जाएगा ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है नाइन जीरो वन सिक्स थ्री वन टू ज़ीरो टू ज़ीरो की जिस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं सो so इस तरह से टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर एंड स्टडी मटेरियल आप एक्सेस कर सकते हैं फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर तो हमारा मेन क्वेश्चन है आज का और टॉपिक भी है हाइपोटेंशन को किस तरह से कंट्रोल करें तो उससे पहले कंडीशन uh, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हाइपोटेंशन कि हाइपोटेंशन एक्चुअल में है क्या और कैसे होता है उसके सिम्टम्स वग़ैरह क्या है तो हाइपोटेंशन मतलब कि लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम कि मेडिकल टर्म्स में uh, जो हाइपोटेंशन है उसको कहा जाता है लो ब्लड प्रेशर जो कंडीशन होती है उसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं हाइपोटेंशन उसको हम कहते हैं हाइपोटेंशन तो उससे पहले हमने एक लेक्चर बनाया था आपके लिए वो था हाई ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो उसको कहा जाता है हाइपरटेंशन उसको कहा जाता है हाइपर टेंशन और जब ये कंडीशन उससे रिवर्स कि ब्लड प्रेशर लो होता है तो उसको हाइपर की जगह कहा जाता है हाइपोटेंशन तो ये आपको अच्छे से याद रखना है हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन की हाइपरटेंशन की जो हाई ब्लड प्रेशर है और हाइपोटेंशन मतलब कि लो ब्लड प्रेशर की जब आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाए शॉर्ट नोट्स वगैरह पूछी जाए तो अच्छे से आपको पहले क्वेस्स को रीड करना होगा कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है हाइपो लिखा है तो उस वक्त आपको डिटेल में डिस्कस करना रहता है रिगार्डिंग लो ब्लड प्रेशर और जब हाइपर लिखा हो तो उस वक्त आपको हाई ब्लड प्रेशर के बारे में लिखना है तो आज का जो मेन टॉपिक है हाइपोटेंशन तो जो मेडिकल टर्म है हाइपोटेंशन वो यूज़ होता है फॉर लो ब्लड प्रेशर कि जब किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर लो होता है तो लो ब्लड प्रेशर की जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं हाइपोटेंशन और ये तो चलो हमने मेडिकल टर्म्स की बात की अब जो बात रहती है कि उसके मेज़रमेंट या फिर वैल्यू तो लो ब्लड प्रेशर की जब 90, 60 से ब्लड प्रेशर आपका कम होता है कि 90 जो सिस्टोलिक और 60 जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिस्टोलिक मिलीमीटर मरक्यूरी यूनिट के अंदर 90 और डायस्टोलिक की जो है 60 और उससे भी आपका ब्लड प्रेशर लो है लेस देन 90 सिक्सटी ऐसा हम यहाँ पे लिखे तो वो कंडीशन कही जाती है हाइपोटेंशन की और ब्लड प्रेशर रीडिंग एपियर्स एज ए टू नंबर कि जो एक सिस्टोलिक और दूसरा डायस्टोलिक सो द कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर बिकम्स द लो दैट इज कॉल ए लो ब्लड प्रेशर तो डिटेल में ये हाइपोटेंशन का लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको हाइपोटेंशन का डिटेल लेक्चर मिलेगा कि जिसके अंदर व्हाट इज़ हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर क्या है किस तरह से उसको मेज़र किया जाता है और जो मेन साइन एंड साइंस होते हैं सिम्टम्स होते हैं कोजेस होते हैं वो सभी को हमने उसके पार्ट वन लेक्चर में भी डिस्कस किया है हाइपोटेंशन के तो अभी जस्ट हम थोड़ा सा डिटेल देख रहे हैं कि हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर 90 की जो आपका सिस्टोलिक होना चाहिए एंड डायस्टोलिक की जो 60 है उससे भी कम ब्लड प्रेशर रहता है आपका तो लो ब्लड प्रेशर की जो कंडीशन है वो आपके लिए बन सकती है लाइफ थ्रेटनिंग मतलब कि जानलेवा हो सकता है ये कि काफ़ी लो रहता है आपका ब्लड प्रेशर क्योंकि जो ग्रीन जोन हम कहते हैं कि ये है आपका वन ट्वेंटी एटी की जो नॉर्मल है फिर जो लो कहा जाता है नाइन्टी सिक्सटी और उससे भी लो जाता है आपका क्लैक्स सिक्सटी फोर्टी होता है फिफ्टी थर्टी थ्री होता है तो यहाँ से जैसे नीचे नीचे ब्लड प्रेशर की कंडीशन जाती है वो बनती है डेंजरस इसीलिए आप देखो ग्रीन में से येलो, ऑरेंज और फिर रेड कलर तो रेड मतलब कि काफ़ी डेंजर कंडीशन। तो ये कंडीशन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं उसके हम रीजंस जाने तो प्रेगनेंसी के कारण हो सकता है आपको लो ब्लड प्रेशर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो एंडोक्राइन प्रॉब्लम से डिहाइड्रेशन ब्लड लॉस हुआ है सीवियर इन्फेक्शन से एलर्जिक रिएक्शन से लेक ऑफ न्यूट्रीनस इन योर डाइट उसके अलावा काफ़ी दिनों तक बेड रेस्ट रहा है काफ़ी लो इंटेक रहता है सॉल्ट का आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन काफ़ी पुअर है माल न्यूट्रिशन के कंडीशन है ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज है हार्ट प्रॉब्लम है एंड लो हार्ट रेट की जिसको हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया तो जो ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट एक दो तरीके से होती है एक तो डिपेंड ऑन द कोजिस कि कौन से कोजिस के कारण आपको हाइपोटेंशन हुआ है तो समझो कि किसी पर्सन का ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ होने के कारण हाइपोटेंशन होता है तो उस वक्त हम ट्रीटमेंट में क्या करेंगे कि उसका जो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है उसको हम इंक्रीज़ करने का ट्राई करेंगे कि समझो कि उसका ब्लड वॉल्यूम हम इंक्रीज करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ जाएगा न्यूट्रिशन में काफ़ी पुअर है तो उसको हम हेल्दी डाइट देंगे प्रॉपर न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेंगे कि जिससे जो न्यूट्रिशंस की डेफिशेंसी है माल न्यूट्रिशन है वो एक बार समझो कि उसका ठीक हो जाएगा तो उससे भी पेशेंट ठीक हो सकता है उसके बाद लो इंटेक ऑफ सॉल्ट इन बॉडी ये उसका कोज है तो हम ट्रीटमेंट के अंदर पेशेंट को दे सकते हैं सॉल्ट सॉल्ट या फिर सॉल्ट वाटर को यूज़ करके हम उसको हाइपोटेंशन को कंट्रोल करा सकते हैं सेकंड कि प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट है तो बेड रेस्ट रहा है पेशेंट का और उसके कारण हाइपोटेंशन हुआ है तो फिर उसको हम एक्सरसाइज करवाएंगे एज वेल एज़ हम उसको योगा करवाएंगे प्राणायाम वग़ैरह करवाएंगे जिससे क्या होगा कि उसकी जो बॉडी में फिर से वो स्फूर्ति आ जाए प्रॉपर उसका जो बॉडी है हेल्दी हो जाए और हाइपोटेंशन जो है वो उससे कंट्रोल आ जाएगा रेगुलर एक्सरसाइज करे वॉकिंग करे योगा करे तो जो बेड रेस्ट के कारण बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हुए थे वो एक्सरसाइज है योगा है प्राणायाम वगैरह करने से ठीक हो जाएगा हार्ट प्रॉब्लम्स के कारण ये हो रहा है तो हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो हम क्योर करेंगे लो हार्ट रेट रहता है कार्डिया तो कार्डिया की हम ट्रीटमेंट करके भी लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में ला सकते हैं इसके अलावा ये जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि प्रेगनेंसी के कारण ऐसा हो रहा है तो उस वक्त हम ऐसे सेफ से मेडिकेशंस देंगे पेशेंट को कि उससे उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे हार्ट प्रॉब्लम्स हो तो वो ठीक करेंगे डिहाइड्रेशन है कि जिसके अंदर कहते हैं कि लो वाटर इंटेक तो जब हम ट्रीटमेंट का स्टार्ट करेंगे तो यही ट्राई करेंगे कि उसको अंदर प्रॉपर हाइड्रेशन करवा दे कि ट्रीटमेंट के अंदर इंक्रीज़ करवा सकते उसके अंदर वाटर ब्लड लॉस से कि मतलब कि एनीमिया जैसा है तो एनीमिया की जो मेडिकेशंस होती है उससे उसका जो ट्रीट कर सके कि ब्लड लॉस है और ब्लड लॉस के कारण आगे एनीमिया हुआ है और एनीमिया के कारण हाइपोटेंशन हो रहा है तो हमारा टारगेट रहेगा कि एनेमिया को ही हम ठीक कर दे तो ऑटोमेटिकली हाइपोटेंशन का की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो सकता है फिर जो इन्फेक्शंस होने के रीजन से तो वो इन्फेक्शंस के रिलेटेड हम उसको मेडिकेशंस देखें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन के कारण ऐसा हो रहा है तो उसके रिलेटेड ट्रीटमेंट और कोई एलर्जिक रिएक्शंस के कारण हो रहा है तो उसको वो एलर्जी ठीक करने के लिए एंटी एलर्जिक्स जो मेडिकेशंस होती है वो भी हम पेशेंट को दे सकते हैं तो मेन बात यह है कि कोजेज़ रिलेटेड भी ट्रीटमेंट होती है और सिम्टम्स रिलेटेड भी ट्रीटमेंट होती है तो कोजेज रिलेटेड हम इस तरह से कर सकते हैं सिम्टम्स रिलेटेड और जो स्पेशलाइज मेडिकेशंस होते हैं वो भी हम ट्राई कर सकते हैं पेशेंट के लिए तो ये थे कोजेस और उसके रिलेटेड हम जो सजेशंस कर सकते हैं पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट फिर सिम्टम्स uh, तो डिजीनेस है लाइट uh, हेडेडनेस है कि मतलब कि हेडेक हो रहा है डिज़ीनेस है तो उसके रिलेटेड कि पेशेंट को उसका सी एन एस हम स्टिम्यूलेंट रखें माल न्यूट्रिशन रीज़न से उसको ठीक कर दें और जो उसके कॉजेज है वो और उसके बाद भी कोई सिम्टम्स रिलेटेड मेडिकेशन स्टार्ट करें तो भी हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं तो सिम्टम्स में नोजिया रहता है वॉमिटिंग रहता है थकान रहती है पेशेंट को डिहाइड्रेशन रहता है कॉन्सेंट्रेशन उसका वीक हो जाता है क्योंकि एक तो बॉडी में थकान होती है फिर डिजीनेस जैसा रहता है और हेड एक हो तो ऑब्वियसली ये तीन कंडीशन मिक्स हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है तो आपके आसपास जो कोई काम कर रहा हो आप खुद अपने रूटीन काम के अंदर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते तो इससे आपकी लाइफ स्टाइल भी अफेक्ट पड़ता है विजन ब्लर हो जाती है फिर कोल्ड क्लेमी एंड पेल स्किन कि जो स्किन है वह काफ़ी ठंड लग ठंड दिखती है आपको कि जब टच करते हो स्किन को तो आपको वो ठंड दिखती है रैपिड सेलो ब्रीथिंग फटिक डिप्रेशन रहता है और कई बार पेशेंट अनकॉन्सियस भी हो जाता है कि जो हम कहते हैं कि पेशेंट कम्प्लीटली अपना कॉन्सियसनेस खो बैठता है कम्प्लीटली अनकॉन्शियस हो जाता है तो ये सब कंडीशन प्रोड्यूस होती है हाइपोटेंशन uh, के अंदर डायग्नोसिस तो यूजुअली आपका तुरंत जब उसका ब्लड प्रेशर चेक करो कि स्पिग्मोमेनोमीटर की जो मैन्यूल uh, जो होता है और डिजिटल भी अब तो अवेलेबल है उससे भी आप तुरंत उसका ब्लड प्रेशर चेक करके पता लगा सकते हैं हाइपोटेंशन के कारण ये सब कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं तो अब जो हमें बात करनी है वो है ट्रीटमेंट की तो ट्रीटमेंट के अंदर हम सबसे पहले तो आपको सजेशंस करते हैं ऑलवेज होम रेमेडीज का उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारा मेडिसिन के समझे कि होम रेमेडीज से जो, जब जब सिम्टम्स उसके माइनर हो और होम रेमेडीज से ठीक हो जाता है तो मेडिकेशंस लेने की ज़रूरत नहीं रहती फिर एक है बात हेल्दी डाइट की क्या आप डाइट आपका प्रॉपर हेल्दी बनाते हैं प्रॉपर आप न्यूट्रिशंस लेते हैं उसके बाद एक्सरसाइज आप अच्छे से करते हैं रेगुलरली और योगा प्राणायाम वगैरह आप करते हैं तो भी आपका बॉडी जो है वो हेल्दी रहता है और कोई भी बीमारी भी नहीं रहती ना ही ये हाइपोटेंशन ना ही कोई दूसरे कोई कॉम्प्लीकेशंस बिकॉज मेन तो बात यह है कि जब सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो जाती है मतलब कि जो काफ़ी दिन तक आप कंप्लीटली बैठे रहते हो एक्सरसाइज नहीं होती आपकी लाइफ स्टाइल के अंदर तो पुअर डाइट हो एक्सरसाइज ना हो तो वो बहुत सारी बीमारीज वग़ैरह को लेकर आता है तो ये सब तो मेन ऑलवेज कॉमन रहेगा कि आप एक्सरसाइज की हैबिट रखो आप योगा करते हो प्रॉपर आपके बॉडी के अंदर सभी न्यूट्रिशंस हो कोई भी न्यूट्रिशंस या फिर विटामिन्स मिनरल किसी की भी डेफिशिएंसी ना हो आपका हेल्दी डाइट ही ऐसा हो कि आप प्रॉपर सीजन वाइज जो वेजिटेबल्स मिलते हैं वो आप लेते हो एज वेल एज़ आपके रूटीन खाने के अंदर जो हम कहते हैं इंडियन लाइफ के अकॉर्डिंग टू कि जो हम अलग अलग खाने का जो हैबिट्स होती है हमारी कि जो हेल्दी डाइट्स होता है क्या आप रेगुलरली खाने में आपका राइस होता है दाल है रोटी है चावल वगैरह है एज वेल एज़ जो अलग अलग हम दाल वगैरह यूज़ करते हैं सब्जियां होती है कि जो रूटीन में अलग अलग आप सब्जियां वगैरह खाते हैं तो आप न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देते हैं हेल्दी डाइट लेते हैं जंक फूड वग़ैरह से दूर रहते हैं और ले तो भी मिनिमम अमाउंट में और उसके बाद आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें तो इस सब से ये सब कंडीशंस को हम ट्रीट कर सकते हैं उसके अलावा भी समझो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशन से तो हम ट्राई करते हैं मेडिसिन और होम रेमेडीज़ को भी हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं होम रेमेडी से कि जो घरेलू नुस्खे हम कहते हैं कि घरेलू उपाय या फिर घरेलू नुस्खे कि जिससे आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकें तो सबसे पहले तो यूज़ मोर सॉल्ट इफ़ यू हैव ए प्रॉब्लम ऑफ लो ब्लड प्रेशर अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आपका ब्लड प्रेशर बार बार काफ़ी लो हो जाता है तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आपके खाने के अंदर सॉल्ट काफ़ी कम है कि आप जितनी जरूरियात में जो चाहिए उससे काफ़ी कम अमाउंट में सॉल्ट ले रहे हैं तो उसके कारण क्या होगा कि सॉल्ट की डेफिशिएंसी होगी आपके बॉडी के अंदर और वो आगे जाके रीजन बनता है लो ब्लड प्रेशर का तो इसीलिए जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब आपका रीजन की जो हम कहते हैं कोज ये है कि लो इंटेक ऑफ सॉल्ट लो इनटेक ऑफ सॉल्ट ये आपका रीजन है ये आपका रीजन है लो ब्लड प्रेशर होने का तो इसका हम समझे कि रेमेडी हम देखें उसका उपाय हम देखें तो यही रहेगा कि इंक्रीज सॉल्ट इंक्रीज द सॉल्ट इंटेक तो यही मेन प्रॉपर बनता है कि जो रीज़न होता है कोज होता है और उसके रिलेटेड जब हम कोई प्रॉपर रेमेडी ट्राई करें तो उससे ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाता है तो रीज़न था लो इंटेक ऑफ सॉल्ट कि आप खाने में सॉल्ट बहुत कम यूज़ करते हैं और उसके कारण लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है तो उसको ठीक करने के लिए आप सॉल्ट का जो इंटेक है वो इंक्रीज कर सकते हैं और वो भी लिमिट में बिकॉज एक्सेसिव लेने से फिर हाइपरटेंशन हो सकता है तो वो भी लिमिट में बट जब ज़रूरत हो तब आप प्रॉपर सॉल्ट यूज़ कि जिससे आपका लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम ना हो उसके बाद हम देखें सेकंड दैट इज़ ए एक्सपर्ट्स यूजली रिकमेंडेड द लिमिटिंग सॉल्ट इन योर डाइट बिकॉज सोडियम कैन रेस द ब्लड प्रेशर तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब किसी पर्सन को कोई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है तो उस वक्त जो एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं कि आप जो सॉल्ट है कि जो हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड एन उसको प्रॉपर uh, लिमिट में लीजिए बिकॉज उसके कारण आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है कि जो सोडियम क्लोराइड के अंदर जो सोडियम होता है वो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर सकता है तो इसी रीज़न के कारण कहा जाता है कि आप सोल्ट को लिमिट में यूज़ करें बट जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से भी काफ़ी लो है कि जो हम कहते हैं कि 90 60 जो है उससे भी काफ़ी कम रहता है पेशेंट का ब्लड प्रेशर तो उसको 120 80 के आसपास लाने के लिए ज़रूरी है ये सॉल्ट फिर अगर हम देखें तो तुलसी है बीट है कॉफ़ी वग़ैरह आप दे सकते हैं पेशेंट को कि तुलसी के जो पत्ते होते हैं होली बसिल जिसको हम कहते हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं उसके अलावा कॉफ़ी है फिर रेजिन्स वग़ैरह होते हैं लिकोराइस का रूट है बीट रूट का आप जूस लेते हैं आपके डाइट के अंदर कैरेट का जूस है सॉल्ट वाटर आलमंड एंड मिल्क रोज मेरी है एंड लेमन जूस तो लेमन जूस है कैरेट जूस वगैरह काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं होम रेमिडीज़ के तौर पे इन लो ब्लड प्रेशर के समझो कि आप इस तरह का हेल्दी खाना लेते हैं हेल्दी आप ये सब लेते हैं कि दिन में समझो कि सुबह आपका हैबिट हो कि आप लेमन जूस लेते हैं या फिर बीट रूट का जूस लेते हैं कैरेट जूस के समझो कि आप एक आपका लाइफ में एक टाइम टेबल बना दें कि आप समझो कि मंडे को आप समझो कि बीट रूट का जूस लेते हैं फिर ट्यूसडे को आप कैरेट का लेते हैं वेडनेसडे को आप लेमन जूस लेते हैं फिर कोई एक दिन का आपका रूटीन है कि आलमंड एंड मिल्क वाला आप दूध लेते हैं तो सेवन डेज का इस तरह से आप कोई रूटीन भी बना सकते हैं कि जिससे प्रॉपर आप आपका न्यूट्रिशन भी प्रॉपर अच्छा कर सकते हैं उसके अलावा जो बात करें कि वी कैन रेज योर ब्लड प्रेशर बाय ड्रिंकिंग वाटर एंड ईटिंग द मोर सॉल्ट कि हम बात करें सॉल्ट और ये वाटर तो उससे तैयार हुआ सॉल्ट वाटर तो सॉल्ट वाटर भी एक रेमेडी है ट्रीटमेंट है फॉर लो ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर की जिसको हाइपोटेंशन कहते हैं और कंसीडर करते हैं हम कि लोअर देन 90 सिक्सटी मिलीमीटर मर्क्यूरी कि जो उसका यूनिट है उससे भी आपका ब्लड प्रेशर लो है तो उस वक्त हम इस तरह से पेशेंट के ट्रीटमेंट कर सकते हैं इफ सॉल्ट इज कोजिंग द लो ब्लड प्रेशर देन टेक द सॉल्ट एंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी वी कैन गिव सॉल्ट वाटर टू पेसेंट टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर तो ये है उसका मेन बात कि जब इमरजेंसी होती है और इमरजेंसी के अंदर पेशेंट का ब्लड प्रेशर काफी लो हो गया है तो उस वक्त उसका पेशेंट को का जो ब्लड प्रेशर है उसका इंक्रीज़ करने के लिए हम उसको सॉल्ट वाटर जो है वो इमरजेंसी में दे सकते हैं कि जिसके कारण उसका ब्लड प्रेशर जो 90 60 से भी कम है वो इंक्रीज़ करवा के हम 120 80 तक ला सकते हैं कि जब उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए और फिर से वो नॉर्मल हो सके स्टेबल हो जाए पेशेंट और फिर उसके बाद आप अलग अलग मेडिकेशन से फिर उसको ट्रीट कर सकते हैं तो अब आप हम प्रॉपर लिस्ट देख लेते हैं कि कौन से मेडिसिन यूज होते हैं फॉर लो ब्लड प्रेशर तो सबसे पहले फ्लूड्रोकॉर्टिसोन यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लूड्रोकॉटिसन जो है वो काफ़ी पॉपुलर है फ्लूड्रोकोटिसन एसिडेट के जो टैबलेट्स आते हैं एज पर द यूएसपी तो वो एक ऑप्शन है हमारे पास सेकंड है मीडोड्राइन सेकंड इज द मीडोड्राइन तो मीडोड्राइन हाइड्रोक्लोराइड के जो टैबलेट्स उसके बाद हियर यू कैन सी द पायरिडोस्टिगमिन टैबलेट्स एज पर द आईपी तो ये एक ऑप्शन है हमारे पास देन कैफीन कॉफी से तो मिल ही जाता है बट उससे भी नहीं होता तो फिर आप एक्सटर्नली कैफीन जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं फिर इरिथ्रोपोइटिन जो है कि समझो कि रीजन एनीमिया है तो उस वक्त इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन आप पेशेंट को दे सकते हैं एंड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की जिसके अंदर पॉपुलर है एस्पिरिन तो ये सब है मेडिसिंस फॉर लो ब्लड प्रेशर अब सभी के बारे में डिटेल में जानते हैं फर्स्ट है फ्लूड्रोकारॉन uh, की जो यूज करते हैं हम लो ब्लड प्रेशर के लिए तो फ्लूड्रोकारॉन इज फॉर लो ब्लड प्रेशर वाइल स्टैंडिंग अप दिस कॉर्टिकोस्टेरॉइड हेल्प टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सोडियम एंड फ्लूइड इन द बॉडी की जो अमाउंट ऑफ सोडियम है और फ्लूड जो हमारे बॉडी के अंदर होता है कि सॉल्ट और फ्लूड में स्पेशली तो वाटर हम कहें तो उसका प्रॉपर बैलेंसिंग करने में ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूजफुल रहता है क्योंकि फ्लूड्रोकॉर्टिसोन ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की ड्रग है फ्लूड्रोकॉर्टिसोन एसिटेट टैबलेट हंड्रेड माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ में भी होता है और मिलीग्राम में हम देखें पॉइंट वन एम जी ओरली यूज होती है यह टैबलेट एंड इफेक्टिव रहता है टू ट्रीट द लो ब्लड प्रेशर इट इज ऑफन कंसिडरिंग एज अ मेडिकेशन फॉर लो ब्लड प्रेशर ड्यू टू डिहाइड्रेशन तो दिस इज योर एमसीक्यू पिन पॉइंट एमसीक्यू के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोविंग इज कंसिडर एज अ मेडिकेशन फॉर लो ब्लड प्रेशर ड्यू टू डिहाइड्रेशन अगर रीज़न डिहाइड्रेशन है तो उस वक्त हम वाटर और सॉल्ट तो पेशेंट को देते ही है बट फ्लूड्रोकॉर्टिसन उसको देने से फ़ायदा ये होगा कि ये मेडिकेशन क्या करेगी हेल्प करेगी कंट्रोल करने में सोडियम एंड जो फ्लूइड से उसकी अमाउंट को प्रॉपर बैलेंस करने में कंट्रोल करने में हेल्प करेगा दिस ड्रग बूस्ट द ब्लड वॉल्यूम मेडिकेशन क्या करती है ब्लड वॉल्यूम को बूस्ट करती है विच हेल्प इन रेस द ब्लड प्रेशर और आगे जाके वो हेल्प करेगा आपको ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाने में तो ये था फ्लुड्रोकोर्टिसोन एसिटेट टेबलेट एस पर यूएसपी एज वेल एस आईपी की जो हमने देखा सेकंड है मीडोड्राइन फॉर लो ब्लड प्रेशर तो मीडोड्राइन हाइड्रोक्लोराइड टू पॉइंट फाइव एम जी का ये टेबलेट आरएक्स ओनली रहेगा प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही ये मेडिकेशन मिलते हैं ऑल्सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड में भी ऐसा ही है प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है तो मीडो इज ऑफन कंसिडरिंग एज ए लो ब्लड प्रेशर मेडिसिन तो ये खास अच्छे से याद रखिए मिडो इट इज फॉर पीपल विथ क्रोनिक ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन क्रोनिक ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन के अंदर कौन से मेडिसिन को यूज करें तो दिस इज मिडोड्राइन तो ये एक एम के लिए आपका पिन पॉइंट रख सकता है एम सी क्यू पिन पॉइंट इट वर्क्स बाय रिस्ट्रिक्टिंग द एबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल टू एक्सपांड विच रेस ब्लड प्रेशर कि एक हमने कोज देखा था मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने का एक हमने रीजन देखा था कि जो ब्लड वेसल्स होती है ब्लड वेसल वो हो जाती है वाइड ब्लड वेसल्स हो जाती है वाइड मतलब कि वो क्या होती है एक्सपांड होती है अब समझो कि ये ब्लड वेसल को एक्सपांड होने से हम रोकते हैं इट वर्क्स बाय रिस्ट्रिक्सिंग द एबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स टू एक्सपांड कि ब्लड वेसल्स के पास एबिलिटी होती है एक्सपांड होने की वाइड होने की उसको समझो कि हम रोकते हैं तो क्या होगा आपका ब्लड प्रेशर फिर से इंक्रीज हो जाएगा कि जो वाइड होगी तो क्या होगा ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा बट समझो कि हम उसको रोकते हैं रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो उसके कारण क्या हो जाएगा ब्लड प्रेशर फिर से इंक्रीज होगा तो मीडोड्राइन इस तरह से काम करती है मिडोड्राइन गुट्रॉन 2.5 पॉइंट का ये टैबलेट रहता है तो ये बात है कि जब ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन की ब्लड वेसल्स वाइडिनिंग होने के कारण कि जो नॉर्मल समझो कि ब्लड वेसल इस तरह से है यह नॉर्मल और वाइड होके उसका डायमीटर इंक्रीज हो रहा है यह वाइड हो गई है तो वाइड होके फिर से उसको ये नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए या फिर रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एक्सपांड होने से तो हम मिडोड्राइन जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं तीसरा मेडिकेशन है वो है पायरिडो स्टिगमिन तो पायरिडो स्टिगमिन इज यूज टू तो इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव द मसल स्ट्रेंथ इन पेशेंट विथ ए मसल डिसीज़। मसल्स रिलेटेड डिसीज और समझे कि आपके मसल्स वीक है तो वो मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए उसको स्ट्रेंथ देने के लिए हम पायरिडोस्टिगमिन के टैबलेट्स पेशेंट को देते हैं कि जिसकी स्ट्रेंथ रहती है यूजली 60 मिलीग्राम और ये रहती है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आर एक्स ऑनली जैसे कि माइस्थिन ग्रेविस के अंदर मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं तो उसको प्रॉपर स्ट्रेंथ देने के लिए हम ये मेडिकेशन दे सकते हैं कि लाइक जो मायासिन या ग्रेविस उसको हम उसको ट्रीट करने के लिए हम पायरिडो देते हैं कि जो मसल्स रिलेटेड डिसीज है तो इफ इट फंक्शन बाय प्रिवेंटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ नेचुरल सब्सटेंस एसिटाइल कोलाइन इन अवर बॉडी कि हमारे बॉडी के अंदर जो एसिटाइल कोलाइन होता है एक नेचुरल सब्सटेंस है और उसका ब्रेकडाउन करता है प्रिवेंट प्रिवेंटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ नेचुरल सब्सटेंस एसिटाइल कोलाइन इन अवर बॉडी एंड एसिटाइल कोलाइन इज नेसेसरी फॉर हेल्दी मसल कि मसल्स के हेल्दी फंक्शंस के लिए जरूरी होता है एसिटाइल कोलाइन अब समझो कि कोई डिसीज कंडीशन के अंदर आपके अंदर ये एसिड एल्कोलाइन ब्रेक हो जाता है उसका ब्रेकडाउन होता है तो उसके कारण क्या होगा मसल्स की जो हेल्थी है उसके ऊपर अफेक्ट पड़ेगी और मसल्स जो है आपके वीक हो सकते हैं तो उस वक्त जब हम और प्राइडिडोस्टिगमिन पेशेंट को देते हैं तो वो प्रिवेंट करती है एसिड एल्कोलाइन का ब्रेकडाउन और एसिड एल्कोलाइन जब प्रॉपर अमाउंट में आपके बॉडी के अंदर रहेगा तो वो आपके मसल्स को फिर से हेल्दी कर देगा देअर फॉर दिस ड्रग हेल्प टू रिलीव अवर फटिक कि जो फटिक की जो हमें थकान होती है और फटिक समझो कि आपका ठीक हो जाता है कि जो एक कॉमन सिम्टम है लो ब्लड प्रेशर का कि लो ब्लड प्रेशर में हमने देखा कि मसल्स समझो कि वीक है फटिक रहता है और उसके कारण पेशेंट को ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो समझो कि आपके मसल्स अच्छे होंगे मसल्स में प्रॉपर स्ट्रेंथ होगी हेल्दी मसल्स होंगे तो ऑटोमेटिकली ये सिम्टम जो है वो कम्प्लीटली डिसपियर हो जाएगा और उसके कारण आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ सकता है फिर बात है कैफीन caffeine की कैफीन एक्ट एज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट। कैफीन की जो हम टी या कॉफी लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कैफीन सी एन एस को यह करता है स्टिमुलेंट और स्टॉप करता है ड्रॉसीनेस डिजीनेस वगैरह है तो उसको कम्प्लीटली स्टॉप करता है और हमारा अंदर एक कंप्लीटली एनर्जी लाता है कि जिससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिम्युलेट होता है इट ऑल्सो रिलैक्सेस द स्मूथ मसल्स एंड स्टिम्युलेट कार्डियक मसल्स एंड यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ सम हेड एग्जाम्पल इज माइग्रेन तो जब सिम्टम्स या फिर कोजिज ऐसे हैं कि माइग्रेन सेडेक है उसके कारण समझो कि आपको ये हो रहा है लो ब्लड प्रेशर या फिर आपका एक सिम्टम्स है कि ड्रॉसीनेस है डिजीनेस है उसके कारण भी आपका ब्लड प्रेशर लो होता है या फिर लो ब्लड प्रेशर के कारण ऐसे सिम्टम्स आपके ऐसे हो रहे हैं तो कैफिन कैन कोज ए टेम्पररी शॉर्ट टर्म ड्रामेटिक राइज इन योर ब्लड प्रेशर कि अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर लो है और उस वक्त समझो कि आप कॉफी या टी भी दे सकते हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाकर उसको पिला देते हैं तो भी उसका ब्लड प्रेशर टेम्पररी नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद फिर आप हॉस्पिटलाइज करके प्रॉपर उसकी आगे ट्रीटमेंट करवा सकते बट जो एक बात कहते हैं कि जो हम प्राइमरी स्टेज जो कहते हैं कि जब किसी पेशेंट को एक प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल जाती है तो उसके कारण हम उसकी लाइफ जो है वो बचा सकते हैं क्योंकि लो ब्लड प्रेशर एक लाइफ थ्रेटनिंग के जानलेवा हो सकता है तो जब तक आप पेशेंट को घर से हॉस्पिटल तक ना ले समझे कि समझो कि यहाँ पे पेशेंट घर पे है होम और उससे आप हॉस्पिटल तक ले जाए तब तक उसको कुछ ना हो उसके लिए घर पे आप जो होम रेमेडीज के तौर पे भी कैफीन का हमने जिक्र किया था कि कॉफ़ी जो हम देते हैं या फिर सॉल्ट वाटर देते तो उससे टेम्पररी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और फिर आप हॉस्पिटलाइज करके प्रॉपर जो रेगुलर मेडिकेशंस है उससे पेशेंट को स्टेबल करके आगे उसकी सारवार कर सकते हैं तो ये बात थी कैफीन फॉर लो ब्लड प्रेशर उसके बाद एक ऑप्शन है हमारे पास इरिथ्रोपोइटिन का फॉर द लो ब्लड प्रेशर तो इरिथ्रोपोइटिन क्यों तो ये पूरा समझते हैं कि इरिथ्रोपोइटिन इज रिकमेंडेड फॉर लो ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट इफ द कोज ऑफ लो ब्लड प्रेशर इज एनेमिया अगर एनीमिया के कारण आपको लो ब्लड प्रेशर हो रहा है कि एनेमिया के कारण फटिक भी होता है और उसके कारण ब्लड प्रेशर लो हो सकता है तो इरेथ्रोपोइटिन का जो इंजेक्शन कि जो आपका एनीमिया क्योर करता है कि जो रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इरिथ्रोपोइटिन अल्फा इंजेक्शन है कि जो हमने एनीमिया का जो लेक्चर बनाया था उसमें भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि इरिथ्रोपोइटिन के जो इंजेक्शन है वो दिए जाते हैं पेशेंट को कि जो काफ़ी एनीमिक होता है और उसको प्रॉपर स्टेबल करने के लिए हम देते हैं आरएक्स ओनली रहते हैं तो इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन रैली प्रोटीन आप देख सकते हैं सिंगल डोज सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रावेनस यूज के लिए होता है ये तो इरिथ्रोपोइटिन इज द बेस्ट चॉइस टू इंक्रीज द आरबीसी जिससे आपके आर बी सी इंक्रीज होते हैं एंड रेस द ब्लड प्रेशर आरबीसी इंक्रीज हो गए तो उसके कारण एनीमिया क्योर हो जाएगा और एनीमिया क्योर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर फिर से राइस होके नॉर्मल हो जाएगा फिर नॉन स्टेरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की जो लो ब्लड प्रेशर के लिए हम प्रीफर करते हैं कि एस्पेरिन वगैरह हम दे सकते हैं आईबूब्रोफेन है कि नॉन स्टेरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आर यूज प्राइमरली टू ट्रीट इन्फ्लेमेशन माइल्ड टू मॉडरेट पेन एंड फीवर वगैरह के लिए तो यूज़ करते वो आपको पता है बट इट इज़ यूजफुल फॉर वन हैज़ इन्फ्लामेशन अलॉन्ग विथ लो ब्लड प्रेशर कि पेशेंट को लो ब्लड प्रेशर और साथ में इन्फ्लामेशन वगैरह भी है तो उस वक्त आप उसको ये नॉन स्टेडल एंटी इन्फ्लामेटेड ड्रग भी दे सकते हैं बट ये हमारी लास्ट चॉइस है प्रायोरिटी में नहीं रहेगा इसलिए हम ये लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं तो जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग से एंड तक जैसे बताया है वो आपकी प्रायोरिटीज रहती है मेडिकेशन के अंदर तो ये था हमारा स्पेशल वीडियो लेक्चर एक्सपर्ट लेक्चर ऑन द मेडिसिन पर हाइपोटेंशन फार्मारॉक्स के व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन करिए नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो एट थ्री सिक्स व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है चैनल को सब्सक्राइब करिए एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर वगैरह फार्मारॉक्स की मोबाइल ऐप के ऊपर तो अभी डाउनलोड करिए रॉक्स अगर आपके पास एंड्रॉय मोबाइल है तो एंड्रॉयड ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर से डाउनलोड करिए अगर आपके पास एप्पल आईफोन आईपैड है तो ऐप स्टोर पर से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं गेट द लिंक्स इन ए डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डाउनलोड द ऐप रॉक्स